आज अपने जनपद अलीगढ़ में हमारे शिक्षा में साथियों की BLM ड्यूटी के संबंध में एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय से मिलने गया, लेकिन जिलाधिकारी महोदय आज कार्यालय में नहीं थे। उनके स्थान पर ACM सेकंड से मुलाकात की और अपना ज्ञापन दिया। ACM साहब ने कहा कि आपकी समस्या का समाधान अब शीघ्र करा जाएगा। हमने उनको अवगत कराया कि BLO का कार्य 1 तारीख से शुरू होने जा रहा है और अब समय नहीं है। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहें, आपकी समस्या का समाधान 1 तारीख से पहले ही कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे, वहां विभागीय समस्या के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय एवं सहायक वित्त अधिकारी महोदय सर्व शिक्षा अभियान से मुलाकात की। SSA से शिक्षा मित्रों का मानदेय 2 से 3 दिन में विभाग द्वारा जारी कर दिया जाएगा मार्च माह का। हमने उनसे कहा कि अगर कहीं कुछ और बचता है बजट में तो आप और आगे का निकाल दें। और एम साहब ने कहा कि हमारे पास केवल 1 ही माह की ग्रांट है और आप सभी का अलीगढ़ जनपद के शिक्षा साथियों का सभी ब्लॉकों का मानदेय इस सप्ताह आने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि विभागीय कार्यवाही 2 दिन में पूरी कर ली जाएगी। चंडौस ब्लॉक की वजह से मानदेय में समस्या आ रही है, उसकी भी समस्या के लिए आज उन्होंने वहाँ के संबंध खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को फ़ोन कर दिया है, वो भी समस्या दूर हो जाएगी। 6 दिन के मानदेय के 6 दिन का जो वेतन था 25 जुलाई से 31 जुलाई तक का, उसके संबंध में BSR से वार्ता की तो उन्होंने कहा मैंने अभी चार्ज लिया है, मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। और उन्होंने संबंधित बाबू और जो साहब को बुलाया, उन्होंने कहा ठीक है बिल हमारे पास मौजूद है, हम उपस्थिति के आधार पर इन सभी का वेतन जारी कर देंगे 6 दिन का। इस पर संगठन ने आपत्ति जताई। मैंने स्वयं उन्हें अवगत कराया कि हमारे पूर्व वित्त लेखाधिकारी श्री प्रदीप यादव जी जो वर्तमान में इटावा में AO हैं, AO बेसिक हैं, उनको हमने एक दिन बुलाया था और उन्होंने यहाँ कर कहा था कि हमने जो है अपने जनपद में बिना किसी उपस्थिति के पूर्ण उपस्थिति के आधार पर जैसे शिक्षकों का वेतन निकाला है उसी हिसाब से सभी शिक्षा मित्रों का 6 दिन का वेतन जारी कर दिया गया है। BSR ने कहा ठीक है हम उसी आधार पर आपका वेतन निकालने का पूर्ण प्रयास करेंगे। इसके लिए उन्होंने संबंधित कागज संबंधित बाबुओं से मंगा लिए हैं। BLO के संबंध में हमने उन्हें अवगत कराया कि हम ACM साहब से मिलकर आए हैं, तो उन्होंने कहा आपकी समस्या जायज है। संगठन ने एक विकल्प भी BSR को दिया। संगठन ने कहा कि जून के स्थान पर BLO का कार्य जुलाई से करा लिया जाए तथा जुलाई में यदि आपको लगता है कि बिना शिक्षा मित्रों के BLO कार्य संभव नहीं है तो आप जुलाई में शिक्षा मित्रों को उनके मूल गाँव में BLO कार्य में लगा दें ताकि वो BLO का कार्य आपका आसानी से कर सकें और वहीं विद्यालय में उन्हें संबंध रखें। इस पर BS साहब ने कहा मैं इसके लिए DM साहब से विचार करूंगा, विचार करने के बाद आप सबको अवगत करा दूंगा। और भी कई समस्याओं के बारे में बात हुई। हमारे वरिष्ठ साथी जो सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं मुख्य मंडल संरक्षक, उन्होंने बेसिक के शिक्षा में साथियों के बारे में कहा कि उपस्थिति गलत भेज करके मानदेय काट दिया गया है जिससे बड़ी समस्या हो रही है। तो उन्होंने बेसिक के बाबू को फटकारा और उनसे कहा कि तत्काल इनका समाधान कर अवशेष मानदेय जारी करें और जो भी अगर ग्रांट बची है उस ग्रांट से अगर संभव हो सके तो जितने ब्लॉकों का मानदेय जारी हो जाए तो जारी कर दिया जाए। आगे की ग्रांट के लिए भी एक पत्र शासन को लिखने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है, अति शीघ्र ही एक लेटर शासन को लिखा जाएगा। इसके लिए संगठन BSR AO बेसिक AO सर्व शिक्षा अभियान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। उन्होंने हमारी समस्या को सुना और निराकरण करने का आश्वासन दिया है। हमें आशा ही पूर्ण विश्वास है हमारी समस्या का समाधान अब शीघ्र हो जाएगा। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।